और अभी तो ये पूछना बनता ही है क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी जस्ट मैं क्लास खत्म करके मेरी घर पे आया हूँ और ये रही मेरी प्यारी सी बाबू जो फ्रेंड्स देख रही है, पता नहीं कितनी बार ये ऑलरेडी देख चुकी है, फिर से दोबारा से देखे जा रही है। सो सबसे पहले तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, और अपना हालचाल भी नीचे कमेंट से बता दीजिए कैसे आप सब लोग, अब ठीक है कि नहीं, आपको नींद आ रही है कि तो, और जो लोग नए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो मैंने प्लान कर रखी है जो कि आने वाली है बहुत जल्द मेरे चैनल पे। सो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। तो अभी जस्ट मैंने मेरा शावर लेके फिनिश कर लिया और सुबह जैसे कि मैंने आप सब लोगों को दिखाया था वेदर, सुबह थोड़ा सा सनी था, सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था बट सूरज आज आया नहीं है और पिछले 4-5 दिनों से वेदर ऐसा है, बहुत प्यारा वेदर है। सो कुछ इस तरह का है वेदर और मस्त हवा चल रही है। ये हमारा छोटा सा गार्डन है जो हम लोग ने यहाँ पे सेटअप किया, प्लान हो रहे और थोड़े से पौधे वगैरह लगा के हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और अभी टाइम हो गया इन लोग को पानी देने का और टाइम हो गया है मेरा थोड़ा सा पूजा पाठ करने का। सो मैं पहले थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूँ और फिर उसके बाद आप सब लोग को मिलता हूँ, इनको पानी भी देना है। सो ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ हम लोग ने हमारे घर पे जिसमें हमने गणपति जी और वो करवा माता है जो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है जिनकी पूजा की जाती है वो है और ये वियतनामी स्टाइल जो कि ये लोग वियतनाम के लोग अपने मंदिरों में रखते हैं छोटे छोटे से कप जिसमें ये लोग भगवान के लिए पानी वगैरह रखते हैं, सर्व करते हैं। सो वैसे हम लोग ने भी थोड़ा सा किया हुआ है वैसे स्टाइल से। सो अभी करते हैं पहले पूजा। तो अभी है मेरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट क्योंकि अभी मेरे को मिलने वाला है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में आज मिल गया है बन के रेडी है। ब्रेकफास्ट में आज हम लोग ने बनाया जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ब्रेड ली है मैंने, उसमें बाबू ने आलू की टिक्की बना के डाली है। देखो कितनी सही लग रही है देखने में, कितनी प्यारी लग रही है, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा खाने का, अभी खाऊंगा फटाफट से। और साथ में मैं देख रहा हूँ मेरा फेवरेट एनिमी जो जस्ट मैंने अभी भी स्टार्ट किया बट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा उसको छोड़ने का, जिसका नाम है बाकी हनमा। बहुत ही सही एनिमी, बहुत प्यारा। तो अभी टाइम हो गया है 10:30 और अभी हम लोग खाने वाले हैं हमारा प्री लंच और अभी आप सोचते हो ये प्री लंच क्या है जो लंच से पहले किया जाता है। तो हम लोग ने बनाया अभी हक्का नूडल्स नहीं, ये मीट वाले नूडल्स हैं जो हम लोग लाए थे यहाँ की एक बहुत फेमस शॉप है जहाँ पे हम लोग पहले जाने के लिए डर रहे थे कि इतनी बड़ी इतना बड़ा स्टोर खोल लिया है ये लोगों ने, क्या क्या होगा यार अंदर। तो एक दिन हम लोग चले गए नॉर्मल प्राइसेस में सब कुछ एकदम, और वैसे भी अगर हम लोग यहाँ से कुछ खरीदते तो वो इंडिया का 3 गुना आ जाता, तो हम लोग को पहले सोचना पड़ता चीज में। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल प्राइस में थी, जो हम लोग सुपर मार्केट जाते हैं उससे भी ज़्यादा मतलब कम प्राइस में थी। तो और नूडल्स काफ़ी टेस्टी है, बेस्ट क्वालिटी, अच्छा टेस्ट, ये हमें ऐसे जा रही है जलजीरा पी रही है सुपरमार्केट से आधे प्राइस में बोलना चाहिए ना। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2:30 और मैं जा रहा हूँ नीचे थोड़ा सा सामान वगैरह लेने के लिए क्योंकि मेरी क्लास का टाइमिंग है 3:40 यहाँ से निकल जाऊँगा और चाय वगैरह पीने का भी मन है। सो नीचे से दूध वगैरह लेके आते हैं और चाय पीते हैं।
सो आज है सैटरडे और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि कल है मेरा डे ऑफ, कल संडे है और अभी मैं जस्ट मेरी क्लासेस सारी खत्म करके आ गया हूँ बाहर। बाबू भी रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। और आज आई है हमारी सैलरी और हम लोग जा रहे हैं आज ढेर सारा पैसा उड़ाने। यार बाल बनाए थे ना आगे। बाबू क्या करते हो, सही करके जाओ, चलो नहीं सही करके जाओ, नहीं सही करो। तो कल रात को कपकेक और मफिन्स की शॉपिंग के बाद हम लोग आ गए थे घर और हम लोग ने अपनी सैटरडे नाइट काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय की और मैं हम लोग एंड करना ही भूल गया और सो गया। सो इसी के साथ आज अगले दिन मैं कल का व्लॉग एंड कर रहा हूँ। सो व्लॉग कैसा लगा आप लोग को, वीडियो कैसी लगी गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप लोग को मिल सके क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी आगे, कुछ एक्साइटिंग वीडियोस, कुछ आपको यहाँ की ब्यूटीफुल लोकेशंस दिखाऊंगा जो भी मेरे से हो सकता है और ट्राई करूंगा कि व्लॉग मैं डेली डालूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।